Bovine. Probably the most common of all itches in use at sea in the bovine. It is by far the best way of making a temporary eye in the end of a rope. Whether it is point, line or mooring rope size, it will not slip. Even when wet, it will not jump. And it will come adrift easily, but no longer required. It is commonly used to secure a heavy line to the eye of a mooring rope when running a line ashore. हाँ जी दोस्तों, आज आप फिर आ गए पिछली बार जैसे शिप लाइन किया था जी, तो आज आप करेंगे बोलाइन। बोलाइन करने लगी सारे तो पहला आप इन फट के एक गोला बना लेना जी, ठीक है। उस बाद असी ये चीज न पा के इधर थलो कट के गोला बना के इधर विचो पा के इधरों कट के वापिस गोले च पा के देख रहे हो ना, इस पकड़ के थले वाली रोप खिंच लेना आपा। ते नाले ए आई दी शेप ए बन गया साडा बोल लाइन। ना ये बारिश स्लिप होंदा है ते कितने जाम नहीं होंदा है, जे असीं कटना भी होंदा आसानी नाल इहनूं कट सकते हैं। बाकी मराइन ट्यूटर नूं सबसक्राइब करो नवे नवे नोट सीखने लई, ते और लाइक करो, कमेंट करो और सत्य लाइक बता के रखिए।